In this question, it is stating that there are information related to two different vehicles, vehicle A and vehicle B. In this vehicle A का जो आपका information दिया है, mileage run annual, it is written as rupees, but please correct it. It is not rupees. It is what? If it is 15,000 mile. The first point है, that is 15,000. It is not in rupees. It is in mile. And for vehicle B, it is 6,000 mile, not rupees. Please correct it. Now in the question, it is given cost of vehicle. सबसे पहला point आप इस question में ध्यान दो कि mileage run annual. मतलब एक साल में कितना mile चल रहा है? 15,000 mile चल रहा है. और vehicle B कितना चल रहा है? 6,000 mile चल रहा है. तो यहाँ पे information हमें क्या दिया है? Per annum. मतलब एक साल में vehicle आपका कितना चल रहा है? वो दिया हुआ है. तो जितना भी आप फिक्स्ड कॉस्ट लोगे, जो भी फिक्स्ड कॉस्ट लोगे, उसे किस टर्म्स में लोगे? पर एनम बेसिस पे लोगे. अब यहाँ पे देखो, दिया हुआ है आपका रोड लाइसेंस एनुअल, इंश्योरेंस एनुअल, गैराज रेंट एनुअल, सुपरविजन एंड सैलरी एनुअल. तो ये सारे जो एक्सपेंसेस हो गए, ये क्या हो गए? फिक्स्ड हो गए, फिक्स्ड कॉस्ट हो गए. और आपको क्या लिखना है? इसको लिखना है ऑन पर एनम बेसिस लिखना है. अब इसके बाद आफ्टर सुपरविजन एंड सैलरी इट इज मेंशन ड्राइवर वेजेस पर आवर. तो ड्राइवर वेजेस पर आवर दे दिया है, मतलब एक आवर काम कर रहा है तो 3 रुपीज मिल रहा है, एंड दो आवर काम करेगा तो ही विल बी पेड हाउ मच? ही विल बी पेड 6 रुपीज. इफ ही इज वर्किंग फॉर 3 आवर्स, ही विल बी पेड 9 रुपीज. इफ ही इज वर्किंग फॉर 0 आवर, ही विल बी पेड 0. सो इट इज वॉट इन दिस क्वेश्चन, ड्राइवर वेजेस इज वॉट? इट इज वेरिएबल, नॉट फिक्स्ड. सेम कॉस्ट ऑफ फ्यूएल, इट इज ₹3. It is cost of fuel. It is how much? It is ₹3. तो 3 रुपीज है. तो और एक माइल के लिए 3 रुपए है, तो 2 माइल के लिए कितना होगा करके आपको इसका कैलकुलेशन करना होगा. तो इट इज ऑल्सो वॉट? इट इज वेरिएबल. अब कह रहे हैं माइल्स रन पर गैलन. एक गैलन अगर आप यूज करते हो तो कितना चलता है? 20 माइल्स. दैट इज आप फ्यूल का जो गैलन होता है, जो बॉक्स होता है जिसमें लीटर्स में हम एक्सप्रेस करते हैं, तो कितना रुपए होता है आपका? होता है 3 रुपए. रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर माइल दिया हुआ है, टायर एलोकेशन पर माइल दिया हुआ है, एस्टिमेटेड लाइफ दिया है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? हियर वी हैव बीन गिवन टू इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू माइल्स. वन इज एनुअल, दैट इज पर एनम कितना माइल है? इट इज 15,000 माइल. एंड पर गैलन कितना माइल है? इट इज 20 माइल्स. हमें दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है माइल से रिलेटेड. एक तो दिया हुआ है कि माइलेज एक साल में कितना चल रहा है, 15,000 माइल चल रहा है. और एक इंफॉर्मेशन दिया है कि अगर एक गैलन यूज करते हैं तो 20 माइल्स चल रहा है. तो वेरिएबल के लिए हम 20 माइल्स को यूज करेंगे, और फिक्स कॉस्ट के लिए हम यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज 15,000. सो आई बी सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड. आप लोग देखो क्या कैसे करना है. ओके, नाउ द फॉर्मेट विल रिमेन सेम. इट विल बी पर्टिकुलर पर माइल. यहां पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में वी हैव बीन प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट टू व्हीकल्स, व्हीकल ए एंड व्हीकल बी. आई विल बी डूइंग द व्हीकल, आई विल बी सॉल्विंग फॉर व्हीकल ए. दैट इज व्हीकल ए मैं करके आपको बताऊंगी, एंड व्हीकल बी यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. अब इसमें क्या है, व्हीकल ए क्वेश्चन में कितना बता रहा है? क्वेश्चन में बता रहा है 15,000 माइल्स पर एनम. दैट इज एक साल में कितना माइल चल रहा है? एक साल में ये चल रहा है कितना? 15,000 माइल्स चल रहा है. सबसे पहले जितने भी फिक्स एक्सपेंसेस है उसे हम लिखेंगे. ऑन द फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट ऑल द फिक्स एक्सपेंसेस. तो सबसे पहले लिखेंगे फिक्स कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में हमें फिक्स्ड कॉस्ट में जो जितना भी वैल्यू दिया है सबको हम कॉपी कर देंगे. सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट बोल रहा है रोड लाइसेंस 750. सो रोड लाइसेंस इज व्हाट? रोड लाइसेंस इज 750. इट इज पर एनम. आफ्टर रोड लाइसेंस इट इज गैराज रेंट 600 रुपए पर एनम. सो वी आर गोइंग टू राइट गैराज रेंट इट इज 600. आफ्टर गैराज रेंट इट इज सुपरविजन and salary. It is given as how much? Supervision and salary is given as 1200. So we'll write 1200. After that, it is given in the question
insurance 700. So we are going to write insurance 700. अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्ट. रीड द लास्ट लाइन. द लास्ट लाइन स्टेट्स दैट इंटरेस्ट चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल कितना 5%. तो हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट. इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज हाउ मच. इट इज 5%. So interest is 5% and cost of vehicle is 25,000. So 5% of 25,000, it will be 1250. So we have written all the fixed costs. So total fixed cost, aap dekho, total fixed cost kitna aata hai? This is 0, 0, 1, 14, 16, 23, 25, 2, 3, 4. It is coming as total fixed cost is how much? Total fixed cost is coming as 4500 rupees. ठीक है. अब 4500 rupees आया. अब आपका कितना है miles run? कितना है miles per annum? एक साल में आप कितने mile चला रहे हो? तो एक साल में आप चल रहे हो कितना 15,000 mile. So fixed cost per mile कितना हो जाएगा आपका 4500 divided by 15,000, that is, it will be 30 paise. It will be what? It will be 30 paise. अब मैंने यहाँ पे fixed cost का calculation कर दिया है. किसी को कोई doubt है तो fixed cost वाले part में आप question पूछ सकते हो. किसी को कोई doubt? In this question, it is given that driver wages. सबसे पहले हम देखेंगे driver wages. What information has been given regarding driver's wages? ड्राइवर वेजेस पर आवर रुपीज 3. आपका कह रहा है कि फॉर 1 आवर इट इज 3 रुपीज. एक आवर के लिए 3 रुपीज है. और क्वेश्चन में यह भी कह रहा है कि एक आवर में आपका 20 माइल्स चल रहा है. दैट इज ड्राइवर वेजेस क्या है. ड्राइवर वेजेस 1 आवर का इट इज 3 रुपीज. एंड इट इज सेइंग दैट फॉर 1 आवर कितना माइल चल रहा है. ये जो 20 माइल है इट इज फॉर 1 आवर. सो आप इसका रिलेशन निकाल सकते हो यहाँ पे क्योंकि दिया हुआ है माइल्स रन पर गैलन करके दिया हुआ है. वो इक्वेट करोगे तो सेम ही इंफॉर्मेशन आएगा. तो 20 माइल्स के लिए आप ड्राइवर को दे रहे हो 3 रुपीज. तो 1 माइल के लिए कितना दोगे आप. 1 माइल के लिए दोगे 3/20, दैट इज 15 पैसे. ड्राइवर वेजेस कितना हो गया 15 पैसे हो गया. अब आफ्टर ड्राइवर वेजेस इन द क्वेश्चन इट इज गिवन फ्यूल कॉस्ट पर माइल. फ्यूल कॉस्ट पर माइल इट इज 3 रुपीज. फ्यूल कॉस्ट पर माइल आपका दिया हुआ है 3 रुपीज. इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर गैलन. सॉरी इट इज गिवन कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर गैलन. अब कह रहे हैं एक गैलन में कितने घंटे कितना माइल चल रहा है 20 माइल्स चल रहा है. सो वी कैन राइट कॉस्ट पर गैलन. 1 गैलन में 20 माइल्स. 1 गैलन का कितना रुपए लग रहा है. 1 गैलन का 3 रुपीज लग रहा है. सो वी कैन इक्वेट 20 माइल्स में कितना लग रहा है. 20 माइल्स में 3 रुपीज लग रहा है. तो 1 माइल में कितना लगेगा. 1 माइल में लगेगा 3/20, दैट इज 15 पैसे. I'm repeating again. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर गैलन. मतलब 1 गैलन के लिए कितना लग रहा है 3 रुपए लग रहा है. और 1 गैलन में कितना चल रहा है. 1 गैलन के लिए 3 रुपए लग रहा है. और 1 गैलन में कितना चल रहा है. 1 गैलन में कितना चल रहा है. 1 गैलन में चल रहा है 20 माइल. तो आपका 1 गैलन एंड 1 गैलन तो दोनों सेम हो गया. तो आप 1 गैलन की जगह लिख दो 20 माइल्स और 1 गैलन की जगह लिख लो 3. तो 20 माइल्स के लिए 3 रुपीज है. तो 1 माइल के लिए कितना हुआ 3/20, दैट इज इट विल कम एज 15 पैसे. अब क्वेश्चन में रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपका डायरेक्ट दे दिया पर माइल. सो यू आर गोइंग टू राइट रिपेयर एंड मेंटेनेंस डायरेक्ट दिया 1.65. ये दिया है तो इसमें आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. आफ्टर रिपेयर एंड मेंटेनेंस इट इज गिवन टायर एलोकेशन पर माइल. ये भी 50 पैसे दे दिया है. 80 पैसे टायर एलोकेशन कितना दे दिया. इट इज गिवन एज 80 पैसे डायरेक्टली इन क्वेश्चन इट इज गिवन. अब आफ्टर टायर इट इज व्हाट. इट इज
डेप्रिसिएशन. इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और क्या है, ये है डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन क्या होता है, कॉस्ट डिवाइडेड, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एन एसेट. व्हाट इज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एन एसेट. अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारा कॉस्ट कितना है. कॉस्ट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, आपका कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज 25,000. स्क्रैप हमें दिया नहीं है, सो इट इज जीरो. अब लाइफ ऑफ एन एसेट या तो वो दिया रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ ईयर, या फिर दिया रहेगा आवर्स में दिया रहेगा. इस क्वेश्चन में देखो आप लोगों को दिया है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ व्हीकल इज 1,00,000 miles. दैट इज इस क्वेश्चन में हमें बताया है लाइफ किस बेसिस में बताया, ऑन द बेसिस ऑफ कितना माइल ये चलेगा, ये व्हीकल कितना माइल चल सकता है. तो ये व्हीकल चल सकता है 1,00,000 miles, मतलब इसका लाइफ है 1,00,000 miles. जैसे ही 1,00,000 miles ये चल लेगा उसके बाद उसका लाइफ खत्म हो जाएगा. सो वील कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. 25,000 माइनस 0 इज 25,000. 25,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000 इज वॉट 25 पैसे. तो अब हमने यहाँ पे जितना भी वेरिएबल कॉस्ट, सारा वेरिएबल कॉस्ट लिख लिया है. अब हमारा यहाँ वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या हो गया, अब तो देख सकते हो वेरिएबल कॉस्ट हमारा सबसे पहले तो 15 पैसे, फिर 1 rupee 65 paise, 80 paise, और फिर कितना है, फिर इट इज 25 paise. जब आप इसको टोटल करोगे तो ये आपका कितना आएगा, इसका आएगा आपका, इट विल कम एज 3 rupees. टोटल करो 15 paise, 15 paise, 1 rupee 65 paise, 80 paise एंड 25 paise, तो कितना आ गया आपका 3 rupees. दैट इज वेरिएबल कॉस्ट पर माइल. वेरिएबल कॉस्ट पर माइल कितना आ गया, 3 rupees. अब वेरिएबल कॉस्ट हमारे यहाँ 3 rupees आ रहा है, और फिक्स्ड कॉस्ट कितना आया था, 3 rupees 30 paise. फिक्स्ड कॉस्ट इज हाउ मच, फिक्स्ड कॉस्ट इज 3 rupees 30 paise, एंड वेरिएबल कॉस्ट इज हाउ मच, वेरिएबल कॉस्ट इज 3 rupees. सो वी कैन, व्हाट इज टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. सो हियर आवर फिक्स्ड कॉस्ट इज हाउ मच, इट इज 30 paise. वेरिएबल कॉस्ट इज हाउ मच, वेरिएबल कॉस्ट इज 3 rupees. सो टोटल कॉस्ट पर माइल, टोटल कॉस्ट पर माइल हमारा कितना हो जाएगा, 3 rupees 30 paise पर माइल. दिस विल बी द आंसर. ये हमने यहाँ पे व्हीकल ए का कर दिया है. फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रही हूँ, आप लोगों को ब्रीफ अप कर दे रही हूँ जो मैंने किया है. एक बार आप ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन में आप लोग चेक करोगे कि आप लोगों को माइल या किलोमीटर किस टर्म्स में दिया हुआ है. दैट इज whether it is given on the basis of month, or it is given annually, or it is given quarterly, or it is given for half year. तो यहाँ पे आपका क्या दिया है, fixed, आपके पास mile का जो information दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका एक साल का दिया है कि एक साल में कितना mile चल रहा है. एक साल में 15,000 miles the vehicle is running. So you are going to take the fixed cost, the value of fixed cost will be on per annum basis. अगर मान लो दिया होता क्वेश्चन में रोड लाइसेंस 200 पर मंथ, तो आप 200 नहीं लेते, उसको क्या करते, कन्वर्ट करते एनुअली. दैट इज 200 into 12, दैट इज 2,400 rupees लेकर के करते. तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट में हमने क्या किया है, फिक्स कॉस्ट में हमने सारे फिक्स कॉस्ट को पर एनम बेसिस पे लिया है, पर एनम बेसिस पे लिया है. एंड द टोटल इज कमिंग एज हाउ मच, इट इज कमिंग एज 4,500. टोटल फिक्स कॉस्ट इज 4,500. And total fixed cost for 1 year is 4,500. And for 1 year, the vehicle is running for 15,000 mile. So cost per mile kya hua? Cost divided by mile. Cost is here what? Cost is 4,500. And miles kitna hai? 15,000. So when we divide 4,500 by 15,000, we'll get 30 paise. Now variable cost. In last question, I have said that driver wages is what? It is the wage which you pay to driver or you pay to conductor. It is what? It is fixed. But in this question, I have written it on the variable side. Why I have written it on the variable side? Because in this question, the information is provided that for 1 hour, the driver is being paid 3 rupees. For 1 hour, the driver is paid 3 rupees. So for 2 hours, he will be paid 6 rupees. For 3 hours, he will be paid 9 rupees. Likewise, the more number of hours he is working, the more he will be getting the wages. That is, his wage is proportional to the number of hours he is working. So it is what? It is variable cost. In case any day if he is not working, if the working hour is zero, then what he will be paid? He will be paid 0 rupees.
So you have to check in the question whether one amount is given for driver. That is, in case if it would, if in the question it would have been mentioned that driver wages 10,000 rupees, एक अमाउंट दे देता, एक अमाउंट दे देता है, तो आप उसको लेकर के चलोगे फिक्स कॉस्ट, क्योंकि उसका कुछ आपको पता नहीं चल रहा है कि 10,000 क्या है, वो महीने भर का सैलरी 10,000 है, ये साल भर का सैलरी 10,000 है, तो उसमें कितने घंटे चला रहा है बस वो नहीं देखा जा रहा है, और बस नहीं भी चलेगी तो उसको 10,000 रुपए मिलेगा, देन इट इज फिक्स कॉस्ट. बट इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट एक घंटे चला रहा है तो 3 रुपए मिलेगा, 0 घंटे चलाएगा तो 0 रुपए मिलेगा. तो आपको यहाँ पे ड्राइवर के वेज को ट्रीट करना है, यू हैव टू ट्रीट इट एज वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट सारा लिया है, अब टोटल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. सो इट विल कम एज फिक्स कॉस्ट ओवर हियर इज ऑलमोस्ट 30 पैसे एंड वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलमोस्ट इट इज 3 रुपीज. सो द टोटल कॉस्ट विल बी 3 रुपीज 30 पैसे. सी इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट, इन केस ऑफ सर्विस कॉस्टिंग, नो टू क्वेश्चंस विल बी आइडेंटिकल. द मोर यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, द मोर प्रैक्टिस यू विल डू, it will be easier for you people to attempt in the attempt the question in the exams, because no two questions will be similar. The more you practice, the more understanding will develop how to approach the question. But the points which you have to keep in your mind is you have to check ki information ek din ka diya hai, ek mahine ka diya hai, 3 mahine ka diya hai, 6 mahine ka diya hai ki saal bhar ka diya hai. Jo information diya hai us hisab se aapko chalna hai. That is, you have to check whether it is ton kilometer, here it is gallon mile. इसमें देखो आपका जो basis है वो क्या है, gallon mile. कि एक gallon में 1 mile चलता है. तो आपको हमेशा 2 factor दिया रहेगा, दो वो जो आप लोगों को मैंने बताया है कि you have transport company में हम composite cost unit use करते हैं. Composite cost unit मतलब more than one factor. Simple cost unit में we use only one factor. But in composite cost unit, we use 2 factors. So, 2 factor यहाँ पे क्या हो गया? Gallon and mile. कल के question में क्या था? It was ton kilometer. तो ton एक factor हो गया, kilometer एक factor हो गया. तो आपको ये बात ध्यान देकर के आपको calculation करना है. Now, what you people can do is, you people can solve for vehicle B, and I'll be sharing one question more so that you people can do. आप लोग अभी vehicle B करना चाहते हो कि बाद में करोगे? And should I share one more question? I'm sharing one more question on the group. Please, aap usko, we'll start that. Yes. A transport company is running a fleet of 6 buses between 2 towns, 75 kilometer apart. That is, the distance is what? 75 kilometer. Distance, aap log likh lo, 75 kilometer. Seating capacity of each bus is 40 passenger. Kitne passengers hai? 40 passengers hai, theek hai? अब 40 पैसेंजर्स है, ये क्या है 40 पैसेंजर्स का क्या है फुल कैपेसिटी. द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ जून. आपको बताया है जून मतलब यहाँ पे आपको क्या लेकर के चलना है, आपको 1 महीना लेकर के चलना है एज द बेसिस. वेजेस ऑफ ड्राइवर कंडक्टर एंड क्लीनर 3600 दिया है. सैलरी ऑफ ऑफिस एंड सुपरवाइजरी स्टाफ सारे आपके एक्सपेंसेस दिए हैं. अब क्वेश्चन में नीचे बोल रहा है एक्चुअल पैसेंजर्स कैरिड वर 80% ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी. All the days of month, each bus made one round trip per day. अब यहाँ पे क्या 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 आपको information पता चल रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है कि आपका seating capacity कितना है, seating capacity is 40, लेकिन कितना occupy हो रहा है, आपका occupy हो रहा है 80%. तो आप लोगों को मैंने calculate करना सिखाया passenger kilometer, जो last class में मैंने सिखाया था, passenger kilometer is number of buses into, और यहाँ पे आपका ये भी कह रहा है कि राउंड ट्रिप लग रहा है, आपका क्या कह रहा है नंबर ऑफ बसेस. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास कितना बस है, क्वेश्चन में कह रहा है इन द क्वेश्चन इट इज सेइंग हाउ मेनी बसेस ही इज हैविंग. देख लो एक बार क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ बसेस 6 बसेस है इसके पास. दैट इज यू हैव टू कैलकुलेट पैसेंजर किलोमीटर. सबसे पहले करोगे नंबर ऑफ बसेस इंटू डिस्टेंस इंटू कैपेसिटी ऑफ ईच बस into actual capacity utilized into round trip into number of days. कह रहा है ये जून मंथ में हर दिन बस चल रही है, तो हर दिन बस चल रही है मतलब जून में कितने दिन होते हैं, जून में होते हैं 30 days. So you people can write passenger kilometer is equal to number of buses into distance
into distance, into capacity of each bus, into capacity of each bus, into capacity utilized, into round trip, into number of days. मैंने round trip में आप लोगों को class class में भी बताया था, round trip में, round trip के भी अंदर आपको है number of times you are moving in a round trip. तो round trip में कितना, एक बार आप जाते हो एक बार आप आते हो तो दो लिखोगे. ये यहाँ फॉर्मूला में लोग राउंड ट्रिप लिखता है, राउंड ट्रिप इज वॉट वी काउंट इट एज वन, लेकिन यहाँ पे ये लिखने के लिए राउंड ट्रिप लिखता है बट वी कंसिडर इट एज टू. और मान लो क्वेश्चन में दिया होता है टू राउंड ट्रिप्स, तो टू राउंड ट्रिप्स में वी शुड हैव रिटन, इंस्टेड ऑफ टू वी शुड हैव रिटन फोर, दैट इज जाना आना दोनों को कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ बसेस कितना हुआ, सिक्स हुआ. 75 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड capacity is how much, it is 40 into 80% is utilized, so 80% likhoge. Aapke paas do option hai, either you people write 40 into 80% or you write 32, koi ek cheez likhoge. Ya to 40 into 80% you people will write or you people will write how much you are going to write, 32, any one, dono nahi likhna hai. Fir round trip pe aapne likh diya 2 into 30, so passenger kilometer aapka aayega 8,64,000. Please check whether you people have got 8,64,000 or not. After writing 8,64,000, what you have to do? The same. Yes, you have got. Very good. Now, what you have to do? You have to make the format particular passenger kilometer. Particular and passenger kilometer. Abhi main isko board pe karke dikhati hu kaise karna hai. What we are going to do in this question? First, we are going to write all the fixed costs. Fixed cost. The fixed costs are what in this question? It is wages of driver, cleaner. जो driver, cleaner का दिया हुआ, it is how much? It is 3600. After driver, it is salary of officers. Salary of officers. It is how much given? It is given as 1500. After that, it is taxation and insurance. Taxation and insurance, it is given as how much? It is given as 2400. After that, it is interest on capital. It is also given, interest on capital hamesha fixed hota hai kyunki ye amount vary nahi hota hai, it remains the same, so it is coming as 10,500. Fixed cost kitna aa gaya, 10,500. After this we have to write variable charges, variable cost ya variable charges kuch bhi likh sakte hai. Total fixed cost is how much? Total fixed cost is 10,500. Now variable cost is what? Diesel. Diesel kya hota? Diesel and oil, it is variable cost. It is given as 10,000. Sorry, it is given as 10,320. After diesel, it is what? Repair and maintenance. Repair and maintenance kitna diya hua hai? Aapka yahan pe diya hua hai 1200. After repair and maintenance, it is how much? It is depreciation. Depreciation is how much? It is 3900. अब वेरिएबल कॉस्ट, आपने फिक्स्ड कॉस्ट पहले लिख लिया, फिक्स्ड कॉस्ट के बाद क्या लिखा आपने? वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट इज हाउ मच? 15,420. सो व्हाट इज टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट इज व्हाट? इट इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इट इज 25,920 आपका टोटल कॉस्ट है. और पैसेंजर किलोमीटर कितना है? पैसेंजर किलोमीटर इज हाउ मच? इट इज 8,64,000. So, आपका कॉस्ट पैसेंजर किलोमीटर क्या हो जाएगा? इट विल बी 25,920 डिवाइडेड बाय 8,64,000. दैट इज कॉस्ट से आप डिवाइड कर दोगे. किसको कॉस्ट से आप डिवाइड कर दोगे? पैसेंजर किलोमीटर. तो ये आपका आ जाएगा 3 पैसे. आप डिवाइड करके देख लो, इट विल बी व्हाट? इट विल बी